हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सभी का आप सभी का फिर से अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप यू गाइस आर वेरी वेल एंड आई एम आल्सो गुड हियर। सो बिना किसी देरी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो मेरी रहेगी वो तो ना तो फेक है, ना ही कोई प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ और ना ही मैं इस तरह का कोई भी कंटेंट अपनी वीडियो में शेयर करती हूँ। बट आज मैं आप सभी के साथ अपनी मम्मा का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची, मुझे खुद बिलीव हुआ तो। और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो भारत देश है वो एक रोग मुक्त देश बन सके, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के जरिए सब तक अपने विचार साझा करना चाहती हूँ और आपको समझाना चाहती हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहिए। महीने पहले मेरी मम्मा को किसी ने एक काम सजेस्ट किया था एंड मम्मा ने उनके साथ कंसर्न किया। कंसर्न करने के बाद उनको काम अच्छा लगा तो वो इस काम के साथ जुड़ गए। वो काम था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। वेट, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो इसमें नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा एंड हमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देन हम इसमें काम कर सकते हैं। या ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है वो भी कर सकते हो, आपको जस्ट मेडिसिन लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। हर तरह की फैसिलिटीज इसमें प्रोवाइड करवाई जाती है। सो कंपनी का नाम है रिनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड प्रोडक्ट का नाम है रिनेटस नोवा, जिसको कि रिनेटस नोवा यूज करने के बाद लोगों को काफी अच्छे बेनिफिट, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। बट मैं आपको वो क्लिप्स या वो वीडियोस नहीं बताने वाली, क्योंकि मैंने सीरियसली जैसे पहले ही बोला है, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ दिल से चाहती हूँ यार आप सबकी मदद हो, इसीलिए मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ। तो अब मैं आप सभी को इसके बारे में डिटेल में बताने जा रही हूँ, जो कि मैंने खुद स्टडी किया है, खुद इसके बारे में पढ़ा है, तभी मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। अदरवाइज मैंने पहले ही बोला है मैं इस तरह की वीडियो नहीं बनाती हूँ। रिनेटस नोवा बेंगलुरु में रजिस्टर्ड एक कंपनी रिनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो अब इससे ज्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं। अगर गूगल पे भी नहीं कर सकते तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो में ज्यादा डिटेल से बता दूंगी, बट अभी जो मुझे मेनली बताना है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। सो रिनेटस नोवा जो है वो एक टाइप का कैप्सूल होता है, जो कि जिसमें विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो दिमाग को बेहतर बनाने में, शारीरिक और मानसिक समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। रिनेटस वेलनेस दावा करती है कि इसमें 6000 से ज्यादा बीमारियों के साथ लड़ने की क्षमता है, जिनमें गठिया, डायबिटीज, वायरल इन्फेक्शन, फीवर, वाइकल डिसऑर्डर्स एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो सारी ठीक हो जाती हैं इस एक प्रोडक्ट के साथ। सो अब मैं इस प्रोडक्ट में जितनी भी औषधियां पाई जाती हैं, मेनली 9 औषधियां पाई जाती हैं, उनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एंड वो क्या काम करती है मैं आपको वो भी बताऊंगी। ज्यादा डिटेल में नहीं, बट जितना हो पाएगा मैं उतना आपको बताने की कोशिश करूंगी कम से कम टाइम लेके। तो सबसे पहला हमारा आता है मैंगोस्टीन। ये थाईलैंड का राष्ट्रीय फल है और इसे फलों की रानी भी कहा जाता है। तो ये जीके का भी क्वेश्चन हो गया। तो अब चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या, मतलब इसमें क्या क्या बीमारियां दूर हो सकती है। तो फर्स्ट, वजन कम करने, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करता है। साथ में लेडीज में पीरियड्स के टाइम जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको खत्म करने में हेल्प करता है। तो सेकंड है माका रूट। ये पेरू देश की एक औषधि है जिसकी जड़ जो होती है ना, जिसे आपको नाम से ही पता चल गया होगा, माका रूट। तो जड़ जो है वो प्रयोग में लाई जाती है एंड बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में ये मददगार होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल एंड तनाव की कमी को पूरा करती है, स्त्रियों में हार्मोन्स की कमी को पूरा करती है। एंड थर्ड है साइबेरियाई जेनसेंग। ये याददाश्त को तेज बनाता है और दिमाग को शांत रखता है। फोर्थ है हमारे पास एल्डरबेरी। ये वायरस से संक्रमण से प्रोटेक्ट करता है, वायरस के संक्रमण से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही में उससे बिल्कुल ही छुटकारा दिलवाता है। सो फिफ्थ है हमारे पास ब्लैक करंट, जिसमें विटामिन ए, B5, B6 और ई होते हैं एंड ये जो है वो हृदय के विकारों और सूजन
को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। तो सिक्स्थ है हमारे पास रस पैरी। ये स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करता है, सूजन, जलन एंड हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जड़ से खत्म करता है। सो सेवन्थ है हमारे पास खट्टी चेरी। ये नींद ना आना एंड गठिया रोग एंड मानसिक तनाव को कम करता है एंड उसके लिए ये काफ़ी कारगर साबित होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास गानोडेरेमा लूसी ड्रमा। ये डायबिटीज, पाचन, संक्रमण और तनाव के इलाज में काफ़ी कारगर साबित होता है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइन्थ एंड लास्ट इज अ सिरगू, जिसको इंग्लिश में सिंगरू कहते हैं, सिगरू कहते हैं। एंड ये जो है वो हड्डियों में या जोड़ों में सूजन एंड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो उसको जड़ से ख़त्म करता है। एंड जैसे कि आप सभी को पता लग ही गया होगा, ये नो के नो अगर इतने बेनिफिशियल हैं, एक एक प्रोडक्ट में सॉरी एक एक औषधि में इतने गुण हैं, तो ये सारे मिलके कितनी बीमारियों में काम कर सकते हैं। इसीलिए रेनोटस नोवा कैप्सूल जो है वो बहुत सी नई और पुरानी जितनी भी टाइप्स की बीमारियाँ होती हैं हर तरह की बीमारी पे काम करता है। सो अब मैं बताऊंगी रेनेटस नोवा कैप्सूल का उपयोग आपको कब करना चाहिए कब नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 18 साल से कम उम्र वाले होते हैं, जैसे कि 18 साल से कम उम्र बच्चे ही होंगे, तो उनको इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। एंड जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं या बेबी फीड करवाती हैं तो उनको भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। एंड उसके अतिरिक्त आपको अगर पेट में जलन होती है या जी मचलता है, उल्टी करने का मन करता है, सर भारी होता है एंड पेट में दर्द, कब्ज एंड स्किन एलर्जी, किसी भी प्रकार की इसको खाने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका सेवन करना बंद कर दें। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या किडनी पेशेंट हैं या किसी भी मतलब और हाई डिसीज के पेशेंट हैं तो आपको इसका सेवन अपने डॉक्टर से परमिशन लेके ही करना चाहिए। एंड बाकी इसके कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा क्या है ही नहीं। अगर आप दवाई टाइम से ले रहे हो, पानी अच्छे से खुला, ज़्यादा पानी पी रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पी रहे हो, तो आपको इस कैप्सूल से कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में या इस कंपनी के बारे में या किसी भी तरह की आपको और डिटेल जाननी है तो आप गूगल कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप मुझे कमेंट में लिख देना। अगर आपको इस कंपनी में काम करना है या इसके प्रोडक्ट खरीदने हैं तब भी आप मुझे बता देना। आप अपना नाम एंड जगह एंड फोन नंबर सब लिख के आप मुझे savikarabhuvanshi@gmail.com पे मेल कर सकते हो। वहाँ आपको आपके हर तरह का जवाब दिया जाएगा, सवालों के जवाब दिए जाएंगे। एंड इसी के साथ मैं आज की वीडियो का एंड कर रही हूँ। आई होप यू गाइज एंजॉयड। अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, नए हो तो सब्सक्राइब। टिल देन बाय, टेक केयर।